आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजी जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इथॉलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को इथॉलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ह्यूमस इज़ अ। तो ह्यूमस एक सॉइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि बनता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट। जगदेश चंद्रा बॉस, बिरबल सैनी, रामदेव मिश्रा, चार्ल्स डार्विन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, रामदेव मिश्रा इज़ अ फेमस प्लांट इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, करेक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 0.03%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कलेक्टिवली नॉन एज कमेंसल्स, हर्बिवर्स, फाना एंड फ्लोरा, प्लांकटन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ज़ूप्लैंकटन कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को ज़ूप्लैंकटन कहते हैं, तो कलेक्टिवली उन्हें प्लांकटन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 5 जून इज़। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन के अंदर जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो हैं ज़ीरोफाइट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर एट, सॉइल कैरीड बाई ग्रेविटी इज़ नॉन एज ग्लोवियल सॉइल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, एंड द सॉइल दैट इज़ कैरीड बाई सरफेस वाटर एंड इट इज़ नॉन एज एलोवियल सॉइल, एंड सॉइल दैट इज़ फॉर्म्ड बाई विदरिंग प्रोसेस इज़ एलोवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर नाइन, विलेमन टिश्यू इज़ फाउंड इन। तो विलेमन टिश्यू बेसिकली एक मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है जो कि पाई जाती है एपीफाइटिक प्लांट्स के अंदर और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर टेन, निमेटोफोर्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रिला, राइजोफोरा, टाइफा, नानातीस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, राइजोफोरा एक मैंग्रोव ट्रीज़ है और इसके अंदर निमेटोफोर्स पाए जाती हैं। निमेटोफोर्स एक स्पेशलाइज किस्म की रूट्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टर्स रिलेटिंग टू द फॉर्म एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड टोपोग्राफिक फैक्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 12, एरेनकाइमा इज़ हेल्पफुल इन प्लांट्स बाय। तो एरेनकाइमा बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, एरेनकाइमा इज़ हेल्पफुल बाय एब्जॉर्प्शन इन स्टिल्ट रूट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट ग्रोइंग इन स्लाइन सॉइल आर कॉल्ड। तो स्लाइन सॉइल के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं वो हैं हेलोफाइट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेल डिवेलप्ड टिश्यू प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो वेल डिवेलप्ड टिश्यू होता है वो है एरेनकाइमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 15, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन। तो निमेटोफोर्स पाए जाते हैं राइजोफोरा में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म आर्टिकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो आर्टिकोलॉजी में इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकोलॉजी रिफर्स टू द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम डज नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर, एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन, हाइपोलिमिनियन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, हाइपोलिमिनियन इज़ द इनर मोस्ट रीजन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 19, रूट कैप इज़ एब्सेंट इन। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो है वो रूट कैप एब्सेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ फूड चेन टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज़ डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ बायोमास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल को बायोमास का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय। तो नाइट्रेट्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं डी नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जिसमें डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 22, इन पॉन्ड इकोसिस्टम डायएटम्स रिप्रेजेंट्स। तो डायएटम्स प्रोड्यूसर्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 23, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज, तो पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर इन्वर्टेड शेप में होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, लायन इज कैप्ट अंडर एनिटोलियन पिरामिड एज, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में लायन का लेवल है टर्शरी कंज्यूमर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिवेलपिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, तो इन्हें नाम देते हैं सेप्रोफाइट्स का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, फाइटोप्लांकटन्स आर इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ, तो फाइटोप्लांकटन पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27, विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर अक्कर इन एन इन्वर्टेड फॉर्म, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं पाया जाता, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, पीकॉक ईट्स अ स्नेक एंड स्नेक ईट्स इंसेक्ट वाइल इंसेक्ट ईट्स ग्रीन प्लांट, देन पोजीशन ऑफ पीकॉक, तो पीकॉक जो है वो टॉप लेवल पे है, टॉप द एपिक्स ऑफ फूड पिरामिड, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो तमाम इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 30, लेग्यूम प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एटमोसफेयर बिकॉज दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट आर ड्यू टू, तो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट के अंदर हाई रेनफॉल होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हंटिंग, सॉइल इरोजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। जब नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उससे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स को बेस्ट मेथड है प्रिजर्व करने का इनसिटो कंजर्वेशन बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिल स्लोप्स, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, According to the Forestry Commission Report 1997, the total forest cover of India, तो इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 19.5%, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, What shall be the effect of destruction of wild life, अगर वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे डिजीज़ रेजिस्टेंट वाइल्ड जीन्स जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। वाइल्ड जीन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 36, अकरेंस ऑफ इंडेमिक स्पीशीज़ इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर ड्यू टू, तो इंडेमिक स्पीशीज़ जो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ये कंटिनेंटल सप्रेशन की वजह से हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, इन योर ओपिनियन विच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, अगर आप प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर, तो 2002 के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, According to IUCN Red List, what is the status of Red Panda Elurus Filgen? तो इसका जो लेवल है वो है endangered species है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, तो बॉटनिकल गार्डन अलाउ करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिप्रेजेंट्स इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर इंडेंजर्ड प्लांट है बेंटिंकिया निक्रोबिका जिसे कॉमनली बेंटिक पाम कहते हैं, और एनिमल है रेड पांडा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इंसिटो कंजर्वेशन, इंसिटो कंजर्वेशन के अंदर प्लांट्स और एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में कंजर्व किया जाता है और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, नेशनल पार्क भी इसका पार्ट है, सेंचुरी भी, लेकिन बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, Which one of the following is the correctly matched pair of an endangered animal and national park? तो rhinoceros जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में कंजर्व किए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following is considered a hot spot of biodiversity in India? तो भारत में जो हार्ट बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है वो है वेस्टर्न घाट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द ऑड कम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न। तो रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड ऐश प्रोटेक्ट किया जाता है, इसी तरह से सुंदरबन के अंदर बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है और पेरियार सेंचुरी के अंदर एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। डची गाम नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड पार्क नहीं है क्योंकि डची गाम के अंदर कश्मीर स्टैग या हैंगोल को प्रोटेक्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Question number 46. Which one of the following pair of organism are exotic species introduced in India? तो exotic species इंडिया में हैं, एक है लैंटाना कैमारा और एक है वाटर हाइकन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।